ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को इस विधा से जोड़ रहे हैं, उनको हमारी पुरातन विरासत से परिचित करा रहे जी हैं। आपको इस काम में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैम, अभी तो मेरा मैंने क्या अपनी चरणबद्ध योजनाएं बनाई हैं, मुझे पहुंचना है भारत सरकार के पास, लेकिन मैं होमवर्क करके जाना चाहता हूँ। होमवर्क का सबसे मैंने ऑप्शन सुना, जहाँ तक बाबूलाल जी का नाम है, चाहे वो बिहार हो, कर्नाटक हो, बॉम्बे हो, गुजरात हो, तो सबसे पहले मैं वरिष्ठ जो संगीतकार हैं, लेखक हैं, उनसे उनके पत्र लिख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैं एक होमवर्क करके फिर मैं भारत सरकार के पास, और मैडम मेरे जैसे कितने वहाँ लोग जाते हैं सर, नहीं बस जब तक राजनीतिक अप्रोच ना हो। लेकिन मुझे ना अभी तक सब लोग कहते हैं हम तेरे साथ हैं, लेकिन कहने के लिए साथ मिलते हैं, लेकिन कोई मेरे साथ, मैं कहता हूँ भाई यहाँ तक चलना है तो कोई चलेगा नहीं। मैडम कितने पैसे खर्च होने, मैं कितने हजारों मेरे रुपए खर्च हो गए, मैं दौड़ रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, कभी कहीं रात भर जागना, खाना भी नहीं खाना, लेकिन कहने के साथ हैं, लेकिन वास्तविक रूप से तो मेरे साथ अभी तक सिर्फ आपको छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हो, आपने जो मुझे मान सम्मान दिया और बाबूलाल जी की वास्तविकता को समझा, मुझे कोई नहीं मिला। और मैडम मैं दिल से आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल, आपका नाम, कि आपने एक अच्छे और सच्चे कलाकार को पहचाना। नहीं, बात वो नहीं है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही है कि अभिव्यक्ति सेगमेंट के माध्यम से हम विलुप्त होती कलाओं को एक बार कोशिश करें कि वो जन जन तक पहुँचे, हमारे व्यूअर्स उनके बारे में जान पाएँ, हमारे लोग जन साधारण उन विधाओं से परिचित हो पाए कि कितनी बृहत और संपन्न संपदा थी हमारी, जो अब विलुप्त होने के कगार पर। आप एक सेकंड मैडम आप देखिए, आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाए, शास्त्रीय गायन हमेशा एकल प्रस्तुति में बैठ के गाया जाता है, लेकिन उसी शास्त्रीय संगीत को लोग, शास्त्रीय संगीत को ग्रामीण अंचलों में जिंदा रखा है तालबंदी ने। आज राग शहाना गाना, राग केदार गाना, राग भिंड सड़ज गाना, राग बागेश्वरी गाना, राग मालकोश गाना, अहिर भैरव गाना, नट भैरव गाना, तो अनपढ़ गायक गा रहे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, तो कितनी बड़ी बात है, ये ध्रुपद जैसी गायकी को जिंदा रखा। सरकार भी मानती है कि कलाकार का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका प्रोत्साहन तो मिले, उसको प्रोत्साहन संरक्षण संबल तो मिले। कलाकार जो है वो जमीन से उठकर बनता है, कलाकार को कला विरासत में मिलती है, कलाकार को कला अपने गुरु से मिलती है, और यही उसकी एक पहचान होती है। जो मैंने आपको कहा कि कलाकार वही है जो अपनी कला से न सिर्फ मोहित करे बल्कि सम्मोहित कर दे। अमित जी, एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब बाबूलाल जी गाते थे और कार्यक्रम का समापन करते थे तो वो खरज की भैरवी के साथ करते थे। यस, भैरवी एक ऐसा राग है जिसमें चारों कोमल स्वर लगते हैं, और किसी भी कार्यक्रम के समापन में ही भैरवी को गाया जाता है, लेकिन भैरवी की जो गायकी है वो खरज में कम है, क्योंकि वो मध्य में गाई जाती है या तार में गाई जाती है, जितना मैंने भैरवी को गाया है और जितना मैंने सुना है। ऋषभ का विशेष। हाँ, और खरज में गाना मतलब मंद्र सप्तक और अति मंद्र में जाना, तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैडम मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप भी मेरे पास हैं। जी, मैं जरूर चाहूंगी कि वो वीडियोस हम अपने व्यूअर्स तक। हर दंगल का समापन, पहली बात तो ये थी, अधिकांशतः दंगल श्री बाबूलाल जी को सुनने के लिए होते थे, और जब दंगलों की समाप्ति होती थी बस एक ही बात, बाबूलाल जी की भैरवी से समापन होगा। जब वो राग भैरवी में स्वामी हरिदास जी को गाते थे, बस स्वामी हरिदास जी के राग नट भैरव, अहिर भैरव, भैरवी में जब वो गाते थे तो मैडम मतलब रूह तक खिल जाती थी, प्रकृति ऐसा लगो बिल्कुल शांत हो जाती थी, और जब उनकी ताने मतलब ईश्वर की साक्षात मिलन का साक्षात्कार, सब सुन्न हो जाते थे, बस लगता था कुछ अलग ही कोई व्यक्ति खिल रहा हो, एक कमल की तरह। ये उनकी भैरवी गायकी थी, जिसको जिसने भी भैरवी को सुना वो आज तक उनका दीवाना हुआ। उदाहरण के लिए मैंने भी बताया, उनका अंतिम साक्षात्कार 9 मई 2007 को आकाशवाणी केंद्र मथुरा में लिया गया, और जब वो 80 वर्ष के प्लस के थे,
और जब उन्होंने दो बंदे से वहाँ गाई जो मेरे पास आज और रिकॉर्ड में है कि एक तो आड़ा चौताला में गाई देखो नन्ने दिया जिया नाला आगे मोरा और दूसरी भैरवी को गाया प्यारी तेरी चितवन में मन मेरो। मैडम जब उन्होंने गाया आकाशवाणी ने लिख रहे हैं वो लोग ऑथेंटिक कि हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं था, सब सुन अचंभित हो गए कि इस उम्र में भी इस तरह की गायकी। तो बाबूलाल जी की भैरवी और ठुमरी यही उनकी विशेषता थी जो इतना बड़ा नाम बाबूलाल जी को मिला। जी आपकी बातें अमित जी मुझे बहुत रोमांचित कर रही हैं और मैं प्रतीक्षा नहीं कर पा रही हूँ बाबूलाल जी की गायकी से दो चार होने के लिए। और यही हमारे दर्शक भी जानते हैं, वो भी बाबूलाल जी की गायकी का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं। और ये कार्यक्रम में आज हम बाबूलाल जी की गायकी पूरी तरह से अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँगे। बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, हमारे चैनल श्रुतिपुरी कृष्णायन को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अंत तक देखिए और सबसे बड़ी बात अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ना मत भूलिए। अमित जी जी मैम, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अब जब आपके बाबा नहीं हैं, आप इस कला को जानते नहीं हैं, आप सिर्फ एक इस कला की फीलिंग तो रखते हैं, इस कला के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन आप गाते नहीं हैं इस कला को, तो इस कला को आगे पहुंचाने तक के आपके क्या मुकाम हैं, क्या क्या आपने तय किया है, कितनी दूर ले जाना चाहते हैं? जी मैम, मैं बहुत अच्छी बात कही, सत्यता यह मैं गायक कलाकार नहीं हूँ, मैं उनके नाम और इस विधा को बचाने के लिए जब तक मेरे प्राण हैं मैं लगा रहूँगा। मैंने उनकी टीम सेलेक्ट की है, उनके शिष्य तो काफ़ी, लेकिन जो सुरीले हैं वो मैंने 7-8 इकट्ठे किए हैं और हम अगले अभी 15-20 दिन बाद रियाज शुरू कर रहे हैं, तो हमने एक टीम बना दी। प्रस्तुत इसके बारे में बताऊंगा मैं, ले जाऊंगा मैं, गाएंगे वो, तो हमने एक टीम बना दी। एक नया बच्चा है शशिकांत शर्मा, वो 24 साल का है, वो क्या नगाड़ा बजा रहा है। एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाला है मंजीत जादौन, वो बहुत सुंदर सारंगी बजा रहा है। और बाबूलाल जी का शिष्य यादराम जी सैन और तमाम ठाकुरों के अलवर डिस्ट्रिक्ट के गांवों के लड़के नगर में हैं, तो हमने एक 11 लोगों की एक सिलेक्टेड टीम बना ली। तो मैं हर जगह जा रहा हूँ, चाहे स्वामी हरिदास समारोह हो या तानसेन समारोह हो, संगीत नाटक अकादमी राजस्थान के कार्यक्रम हो, दिल्ली के हों, MP भोपाल में हों, कि भाई ये तालबंदी है बताता मैं हूँ और मुझे कहीं आश्वासन भी मिल रहे हैं कि तालबंदी तो हम इस तरह से करेंगे कि मेहनत मैं करूँगा, कार्यक्रम मैं लेके आऊँगा और प्रस्तुति के उनको साथ लेके प्रस्तुति मैं कराऊँगा। चलिए, हम यही चाहेंगे कि आप अपने भागीरथी प्रयास में ज़रूर सफल हों, ऐसी हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, स्टूडियो क्या इस माहौल में आए और हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूअर्स तक आपने अपनी बात, अपनी कला, अपने बाबा की कला को पहुंचाया। आपका बहुत बहुत जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण मैम। Thank you.